और आपसे दो साल पहले किया हुआ वादा दोहरा रहे। प्यार से ही बचेगा हमारा घर और परिवार। हे भोलेनाथ, हमें जो भी सजा देनी है दीजिए, लेकिन हमारे उन दोनों बच्चों को हमसे छीनने वाले उस परिवार का क्या? हमारे अर्जुन को वापस लाना होगा। अनुराग, राग, शेखावत। पूरी जन्म कुंडली निकाल कर लेकर आए हैं आपके लिए, ये देखिए। देखिए आपने, अब इसके बाद भी आपको कोई संदेह है? बिटिया, अर्जुन दो साल पहले गुजर चुका है, मान लीजिए इस बात को, वो वापस नहीं आ सकता। और अगर आ भी सकता होता तो जरा सोचिए, वो सबसे पहले किससे संपर्क करता? आपसे करता। भैया, सोने का टाइम हो गया, पर आप तुम्हें तब तक नींद नहीं आती है ना, जब तक तुम्हें तुम्हारे भैया सुला नहीं देते। ओके, बिस्किट सी बॉबी तब की है प्यारी, जब तक वो सोए नहीं बिना सुने ये लोरी। बिस्किट सी बॉबी सबको है प्यारी, वो ना सोए कभी बिना सुने ये लोरी। बिस्किट सी बॉबी मीठी बहुत है जैसे काजू कतली, वो ना सोए कभी बिना सुने ये लोरी। बिस्किट सी बॉबी छोटी सी है वो, इमली सी खट्टी जामुन के जैसे सबकी दुलारी। बिस्किट सी बॉबी तितली सी है वो, उची है थी वो ना सोए कभी बिना सुने लोरी। बिस्किट सी बॉबी थैंक यू सो मच हर उस बात के लिए जो तुमने अनजाने में की, तुम्हारी मासूमियत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कीजिए ना। हेलो, हम शेखावत बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई जख्मी हो गया है, आप जल्दी से एम्बुलेंस भिजवाइएगा। मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, और आपके हॉस्पिटल के जितने भी टॉप डॉक्टर्स हैं उन्हें रेडी रखिएगा, हम उसे खुद लेके आ रहे हैं। मॉम, डैड, थैंक यू सो मच। जानते हैं, हमारी कहानी तब शुरू हुई थी जब हमने हमारी गुड़िया को खोया था, और खत्म तब हुई थी जिस दिन हम खाई से गिरे थे।
किस्मत भी कमाल किया, हमारी कहानी दोबारा शुरू हुई जब हमें हमारी नई बहन मिली। दो साल, कहने को सिर्फ दो साल, लेकिन इन दो सालों में हम एक नई जिंदगी जीकर लौटे हमारे इस कानपुर शहर में। और यहां पर हम सिर्फ जमीन हासिल करने नहीं आए, तुमसे हिसाब चुकता करने आए मिस चांदनी कनौजिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिनिस्टर साहिबा, हियर इज अ वॉइस मैसेज फ्रॉम मिस राज शेखावत। गुड मॉर्निंग मिस कनौजिया, आज हम कब मिल रहे हैं? पापा, हमें आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटी, आज आपने हमें गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, मैं तो लगता है कि आप। पापा, हम मिनिस्टर हैं, प्रॉपर्टी डीलर नहीं। हम मिस्टर शेखावत से नहीं मिलना चाहते। लेकिन बेटिया, प्रॉपर्टी चाहिए ना उन्हें, तो आप उन्हें प्रॉपर्टी डीलर से मिलवा दीजिए। एक बार वो प्रॉपर्टी पसंद कर ले, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है। और अगर इंडस्ट्री का प्रपोजल कानपुर के हित में है तो हम उसे जरूर अप्रूव करवाएंगे। ठीक, आपको जैसा अच्छा लगे। हेलो, गुड मॉर्निंग साहेब जी, राज सर ये जानना चाहते हैं कि आज आप हमें जमीन दिखाने के लिए कब लेके जाने वाले हैं। देखिए, हमारी बेटी जो है वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। हम आपको प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर भिजवा देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए, जमीन पक्की हो जाए तो उसके बाद। गुड मॉर्निंग साहिब जी, राज शेखावत यार, अगर हमें लोकल लोगों के साथ डील करनी होती है ना तो हम आपके पास नहीं आते। 1000 crores इन्वेस्टमेंट कर रही है मेरी कंपनी, अगर ये प्रोजेक्ट आपके लिए या आपकी बेटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी और स्टेट में जाएंगे और वहां के मिनिस्टर्स से बात करेंगे, जो मिनिस्टर्स हमारी हेल्प करने में इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, अगर आप आधे घंटे में हमें मिल सकते हैं तो ठीक है, वरना। और बस इतना याद रखिएगा आप साहिब जी, ये रिश्ता सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये रिश्ता हमारे प्रेजेंट के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर, स्टेट का फ्यूचर। और चुनाव के लिए फंड्स तो चाहिए होंगे ना आपको? जी जी राज जी, हम समझ रहे हैं, समझदार को इशारा काफी होता है, आप चिंता मत कीजिए, हम समझ गए जी। अरे बिटिया, हमें जाना ही होगा, 1000 crore की डील है। और देखिए, आप भी सिर्फ अपने बारे में नहीं, सिर्फ पार्टी के बारे में भी सोचिए, समझ रही है ना? हम उनसे आधे घंटे में मिल रहे हैं।
बॉबी को तैयार कर दो। मिस चांदनी कनौजिया, आपका और हमारा ये नया सफर अब दोबारा जल्दी शुरू होने वाला है। हाँ तो बिटिया, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, राज शेखावत ने अकेले ही 6 देशों में अपने पापा के बिजनेस को फैलाया है। ये देखिए, मैं मिस्टर राज की कंपनी का इवैल्यूएशन चेक कर रहा हूँ। बहुत से अवार्ड जीते हैं उन्होंने। क्योंकि हमारी पहली मीटिंग के बाद वो होगा एक नया सफर, राइट मिस चांदनी? क्या हुआ बेटिया? अरे आप अभी भी वही सोच रही हैं क्या? जाने दीजिए बिटिया। अरे ये जो है, इसकी सिर्फ शक्ल मिलती है अर्जुन शर्मा से, और ना ये आया यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ही है। हम बता रहे हैं आपको, राज शेखावत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए पापा। वो जो दिखा रहे हैं वो शायद है ही नहीं। आंखें सिर्फ देख सकती है पापा, लेकिन दिल और दिमाग आंखों के देखे को पढ़ना जानते हैं। एक बार और सोच लीजिए पापा। ये बिटिया, हम किसी को मिलने से सिर्फ इसलिए तो मना नहीं कर सकते ना कि उसकी जो शक्ल है वो अर्जुन शर्मा। वेलकम वेलकम, प्लीज आइए। साहिब जी, ही इज माय बॉस मिस्टर राज शेखावत। प्रणाम मिस्टर कनौजिया। नाइस मीटिंग यू। और ये हमारी एक छोटी बहन बॉबी। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम अपनी छोटी बहन को यहाँ पर क्यों लेकर आए। ये मेरे बगैर रह नहीं सकती, और सच बात तो ये है कि मैं भी इसके बगैर रह नहीं सकता। आप ऐसा कह सकते हैं कि इसने मुझे एक तरीके से एक नई जिंदगी दी है। इसीलिए मैं जहां पर भी जाता हूं ना, इसे अपने साथ लेकर जाता हूं। बिकॉज शी इज माई लकी चार्म। भैया मैं अंदर जाके देख कर आऊं? हाँ क्यों नहीं, बट बी केयरफुल। ओके केयरफुल बॉबी, बैठिए ना। Sure.
आप 1000 करोड़ तक की जमीन खरीदना चाहते हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि यह काम जो है आज के आज खत्म हो जाए। भाई आप जैसा व्यक्तित्व जो है वो हमारे हमारे नगर का विकास करना चाहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा। सॉरी मिस्टर कनौजिया, मैं बिजनेस करता हूँ सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, ना कि सिटी स्टेट या किसी नेशन के लिए। मेरे बिजनेस की फिलॉसफी सिंपल है, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करो वहां पर मैक्सिमम रिटर्न्स होने चाहिए, दैट्स इट। भैया ये बहुत अच्छा है ना? आपको अच्छा लगा? हाँ। ठीक है, आज से ये तुम्हारा। से थैंक यू। थैंक यू। मैं चाहती हूँ। ओके। देखिए मिस्टर कनौजिया, मैं सोशल वर्क नहीं करता, सोशल वर्क की आड़ में बिजनेस करना आप जैसे पॉलिटिशियंस का काम है, मेरा नहीं। पर सोशल मीडिया पर तो बस आपका सोशल वर्क का। सोशल मीडिया इज जस्ट पब्लिसिटी, नथिंग मोर नथिंग लेस। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं उसी को मान लेते हैं, फूल्स आई मस्ट से। वैसे भी आजकल चैरिटी एक बिजनेस ही तो हो गया, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स खुलते रहते हैं। यह अर्जुन शर्मा नहीं हो सकता, अर्जुन की तो रग रग में समाज सेवा बहा करती थी। एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस अपनी बिटिया से थोड़ा विचार विमर्श करना चाह रहे थे। यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश की, नेता हैं ये और सारे फैसले लेते हैं आप। सॉरी मिस्टर राज शेखावत, अपने देश को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बेशक हमारे यहाँ डिसीजंस हम लेते हैं, लेकिन हम बुजुर्गों की सलाह की इज्जत भी करते हैं। नहीं नहीं बिटिया आप जाने दीजिए, वो क्या है ना राज जी, अब हम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो सलाह तो देंगे। देखिए मिस्टर कनौजिया, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, आप दोनों की पर्सनल इक्वेशन क्या है इससे मुझे क्या। मैं यहाँ पर जमीन देखने आया हूँ, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, चले? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, अब चलिए ना आइए। बॉबी राज साहब, ये जमीन देख रहे हैं, ये सारी की सारी जमीन जो है ये बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल जोन घोषित होने वाली है, और एक बार वो हो गया तो जमीन की जो कीमत है वो आसमान छुएगी, आप देखिएगा। सेल्फी लेनी है, सेल्फी सेल्फी माया। हाँ चलो लेट्स टेक अ सेल्फी, कम यू वांट टू टेक इट लाइक दिस। हाँ वैसे सेल्फी तो बनती है। नहीं नहीं सेल्फी ऐसे थोड़ी लेते हैं, सेल्फी में तो व्यू नजर आना चाहिए, उसकी ब्यूटी नजर आनी चाहिए, सेल्फी तो एक याद होनी चाहिए।
एक सेल्फी तो बनती है। जहां तक ये फोटो लें क्या, एक सेल्फी तो बनती है। नाइस। क्या हुआ, सेल्फी अच्छी नहीं लगी? यहां कहीं सेल्फी से कुछ याद आ गया।